कन्नौज के सैरिक क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए इस हादसे में 15 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों व घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया है। सैरिक थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरावा के पास इटावा रोड पर यह हादसा हुआ है। हादसे का कारण ड्राइवर का नशे में होना बताया जा रहा है। कन्नौज के सौरिख थाना क्षेत्र के शेखुपुर और बिजनौरा के ग्रामीण गंगा दशहरा के मौके पर फर्रुखाबाद के शरंगीरामपुर गंगा स्नान करने ट्रैक्टर ट्रॉली से गए थे। वापसी में ट्रैक्टर चालक ने शराब पी ली और वो नशे में धुत हो गया। नशे की हालत में तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था। सकरावा के पास अचानक एक गड्ढे में पहिया पड़ने से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर में पीछे बैठे करीब 20 लोग गिर गए। एसडीएम छिबरामऊ ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों और मृतकों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। एसडीएम छिबरामऊ देवेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और हादसे में पीड़ितों की मदद में जुट गए। उनका कहना है कि कई घायलों की हालत चिंताजनक है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ड्राइवर के नशे में होने के कारण ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार से जा रहा था, यानी पिए था क्या था, शेखुपुरा के रहने वाले, ये पलट गया, हादसा हुआ, लोग समा के गए, तीन लोग एक कार में, तीन लोग। करीब कितनी सवारी रही होंगी इसमें? सवारी उसमें मौके पे तो यही लोग मिले, अब भीड़ में है कहीं, अब ये नहीं कितने लोग थे ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये क्लियर है। हाँ, तीन महिलाएं भी हैं, पाँच छः महिलाएं जो ठीक है, तीन है, बाकी तो सब घायल है, उनको सीएससी भेजा गया है। हाँ, हादसा ये है कि एक ट्राली पलट गई है, तो लगभग 5 बजे पलट गई है। सिंगीरामपुर से लोग लौट रहे थे, तो लगभग 5 बजे यहाँ पर पलट गई है। 3 लोगों के यहाँ मरने की खबर और एक शायद रास्ते में हुए हैं, अभी हॉस्पिटल से स्थिति क्लियर होगी और 12-13 लोग के घायल होने की है, तो हॉस्पिटल में जो एंट्री होगी उससे मिलाया जाएगा। और यहाँ पर अभी कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं है जो इनका पूरा डिटेल बता सके, इनका नाम पता, और चूंकि अभी तुरंत घटना है तो जान बचाने के लिए एम्बुलेंस से इसको जो है तिरवा मेडिकल कॉलेज भेजवा दिया गया है, उसके बाद उसे शेष कार्रवाई प्रोसेस में है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।